क्योंकि नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू वाला आदमी क्या होगा? पहली बात तो ये देखो, अब हमने बोला राजा, अब हमने बोले रानी, तो रानी इज नंबर टू। रानी क्या है? महारानी, जगत रानी, सबकी मां, राजरानी, देश की माता, प्रजा की माता। हिंदी पिक्चर भी निरुपर आए, हिंदी पिक्चरों में पहले आती थी निरुपर आए, जगत माता। सबसे पहला काम किया माता, गोली पढ़ लेना, तब मेरे पास आए। ममता, ममता। तो हर समय क्या होगा? मीठी बातें, घुमावदार, लुआबनी बातें, लोगों को अपने लुआबन में लेना, घुमा के अपनी तरफ रखना। दे दिस पीपल ऑलवेज ट्राई बेस्ट नॉट टू हर्ट एनीबडी। आपके पास जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ दो है स्टार्टिंग में, वो निकाल के रख लो। These people never talk straight in line. They always avoid to talk straight in line. रोहित जी के चेहरे पे मुस्कान आई, किसका है? वाइफ का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 20 नंबर है आने दो, अभी तो चल रहा है। मेरे अभी दो स्टार्ट हुए, अभी दो स्टार्ट है। दो नंबर, दो नंबर वाले किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में रहते हैं, और कॉपरेशन डिप्लोमेसी के किंग है। कॉपरेशन डिप्लोमेसी के ये लोग किंग होते हैं, दो नंबर वाले। दो नंबर वाले दे इट इज लाइक दे द नंबर टू पूरा घुमावदार है, मतलब देखो तो पूरा घुमावदार है। द वे नंबर टू इज लाइक ये सिचुएशन के अनुसार घुमाव रखते हैं, विच मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल है, दे आर फ्लेक्सिबल है नंबर टू। नंबर टू की एक बड़ी अच्छी विशेषता होती है, इनकी विशेषता ये होती है, ये बड़े सेंसिटिव और बड़े सेंसिबल होते हैं, पीस लविंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, गुड और फ्रेंडली नेचर होता है। और एक नंबर वाले के लिए ये बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक नंबर की अर्धांगिनी है और एक नंबर वाले का सपोर्ट फैक्टर है ये, सपोर्ट फैक्टर। दूसरी बात, दो नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं जहां पे कहीं पे फायर हो रही होती है वहां ठंडा कर देते हैं, क्योंकि पानी है ना, आग में पानी। जहां लड़ाई झगड़ा, भाई दो नंबर को बोल दो भाई जाके सुलह करो, सबसे अच्छी निगोशिएशन करके आएगा, करके देख लेना। लड़ाई झगड़े में शीश फायर करवाया आएगा ये, क्योंकि दो नंबर है। दो नंबर की अपनी खूबी, किसी भी व्यक्ति को इमोशनली कनेक्ट करने के अंदर भाई, एंड उतनी ही जल्दी ये लोग इमोशनली हर्ट भी होते हैं। अगर इनके इमोशंस पे बात आ जाए, दे हर्ट वेरी वेरी बैडली। इनको इतना हार्ट होता है कि दिल पे ले लेते हैं, और फिर जब दिल पे लेते हैं इनको, ये इनको दिल से हार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिल से रोते हैं। दो नंबर वाले व्यक्ति, अगर दो नंबर वाले व्यक्ति अगर अपनी पे आ जाए तो उनसे जिद्दी नहीं होगा कोई, उनको मनवाना बहुत मुश्किल काम, वेरी टफ। क्योंकि दो नंबर वाले लोग जो होते हैं वो शो नहीं करेंगे कि वो एरोगेंसी, मतलब दे विल नॉट शो देयर एंगर, हाउएवर देयर दे लाइक अ, मतलब बंद हो जाएंगे वो अपने में, उन्हें ओपन कर पाना बहुत मुश्किल काम है, दे ब्लॉक देमसेल्फ। इसलिए दो नंबर वाले घुटते बहुत जल्दी है, जिन लोगों का दो नंबर का इंपैक्ट आता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए, उन्हें बहुत दिक्कत होती है उभर के आने में। इट्स वेरी टफ फॉर देम टू गेट आउट ऑफ
देयर डिप्रेशन से। इसलिए दो नंबर को कभी भी किसी भी तरीके से इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहिए, दे गेट डिस्टर्ब फ्रॉम देयर माइंडसेट्स। एक नंबर वाले व्यक्ति में क्या होगा, अगर उसको हर्ट करोगे ना थोड़े दिन परेशान होगा, उसके बाद बाहर में जाओ, लेट मी नहीं जाओ। दो नंबर वाला परेशान हो जाएगा, वो अपनी परेशानी को लेके बैठेगा और वो उस परेशानी को अपनी नाबुरी में बसा लेगा, और जब जियो दोगी जिस समय में उस दिन बोलेगा उस पुरानी तारीख को आपने ये किया था मेरे साथ, क्योंकि उसकी मेमोरी अच्छी होती है। संगमजीत सिंह जी कुछ बोले? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, 101% राइट। दो नंबर वाले व्यक्ति अगर किसी के लिए अफेक्शनेट हो जाए तो चाहे भूकंप आ जाए चाहे पताल आ जाए, दे आर विद देम ओनली। और दो नंबर वाले व्यक्ति अगर किसी से रुख मोड़ लेते हैं, शो नहीं करेंगे लेकिन अफेक्शनेट नहीं होंगे, अंदर से क्रैक नहीं करेंगे, उनका लव उनके प्रति खत्म हो जाएगा, शो ऑफ नहीं करेंगे। दो नंबर वाला व्यक्ति ऐसा है अपने आंसू पीने में माहिर, अपने आंसू पी जाता है। एक नंबर वाला अपना आंसू नहीं पी सकता, पर दो नंबर वाला अपना आंसू पी जाएगा, अंदर से रोएंगे वो। एक नंबर वाला बाहर से रोएगा, एक दो नंबर वाला अंदर से रोएगा। दो नंबर वाले व्यक्ति बड़े सेंसिटिव होते हैं और डिसीजन लेने में तो थोड़ी दिक्कत होती है, डिसीजन मेकर नहीं होते, दे डिपेंड ऑन डिसीजन फॉर अदर्स, कि दूसरों पे के कंधे पे डिसीजन रखते हैं। ये ऐसे पूछेंगे, अच्छा आपको ठीक लग रहा है ना, हाँ ठीक है, अच्छा मैं कर लेता हूँ, करना तो चाह ही रहते लेकिन दूसरों से बुलवाएंगे, अपने डिसीजन से नहीं करेंगे। ये लोग मानसिक तौर पे बहुत जल्दी स्विंग होते हैं, बहुत जल्दी इनका माइंड जो स्विंग की तरह चलता है, और बड़े फास्ट मूविंग होते हैं, अभी कुछ अभी तभी कुछ, मतलब चंद्रमा इट्स वेरी फास्ट मूविंग, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा, राइट। सो उनके मन विचार भी बहुत जल्दी परिवर्तन आते हैं, और घूमने फिरने का खाने पीने का मौज शौक बहुत है, घुमा लो फिला लो मजे करवा लो, ठंडा होता है, कूल माइंड, शांति, नो उथल पुथल दिमाग है, नो हरी भरी, जितना एक नंबर में हरी है ना उतना इनके अंदर उतनी हरी भरी कम है, शांत ठंडा, घुमाओ फिराओ मजे कराओ खुश रहो। क्योंकि बीवी के दो नंबर हो रोहित जी, जब उदास हो जाए तो बजा के दो चक्का कटवा लाना खुश करके देख लेना आप। चंद्रमा है ना फास्टेस्ट मूविंग, थोड़े से के अंदर खुश हो जाता है, थोड़े से खुश हो जाता है। दो नंबर है, अब इन्हीं के दो, ये वीडियो बंद होने वाली।